बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश और शादो आबाद रखे। जी तो मैं हूँ सैयदा फरीदा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सैयदा फरीदा। जी तो ये हमारा छोटा सा किचन है और आज हमारे किचन में जो बन रहा है काले चने और पालक। जी ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बेसिकली ये पंजाब की रेसिपी है, लेकिन खाने में आप ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार लगेगी। जिसके लिए यहाँ मैंने 1 पाव काले चने लिए थे, उसे ओवरनाइट भिगो दिया था और इसे बॉईल कर लिया। और यहाँ मैंने पालक ली थी, तकरीबन आधा किलो के करीब पालक ली थी मैंने। यहाँ 3 से 4 मीडियम टमाटर लिए थे। प्याज बहुत कम डलती है, मैंने यहाँ 1/2 मीडियम प्याज ली थी, उसको बारीक स्लाइस कर लिए। और साथ ही 1 डल्ली मैंने लहसुन की ली थी और उसको बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। 3 से 4 मैंने लिए यहाँ साबुत लाल मिर्च, 1 टीस्पून लिया है यहाँ मैंने सफ़ेद जीरा, 1/2 टीस्पून ली है मैंने यहाँ रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स ली है 1 टीस्पून, हल्दी लिए मैंने 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया लिया है 1 टीस्पून और मैंने सॉल्ट लिया है 1/2 टीस्पून। इसलिए कि पालक में भी सॉल्ट होता है तो इसलिए हम सॉल्ट देखकर डालेंगे। और कुकिंग के लिए लिया है कुकिंग ऑयल। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऑयल गरम हो गया है, 1/2 प्याली हमने ऑयल ली थी वो गरम हो गया है। अब इसमें पहले डालेंगे साबित लाल मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कटा हुआ लहसुन जो हमने स्लाइस में कट करके रखा था और ज़ीरा, इसको 1-2 मिनट तक अच्छा सा हल्का सा भून लेते हैं। उसके बाद हम प्याज ऐड करेंगे इसमें। अब यहाँ ऐड करते हैं इसमें प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस हमें इसे लाइट गोल्डन करनी है, बहुत ज़्यादा डार्क इस पर कलर नहीं लाना है, बस लाइट सी सॉफ्ट हो जाए और हल्का सा इस पर कलर आ जाए जब तक हमें इसे फ्राई करनी है। तो यहाँ पर प्याज पर देखें हल्का सा कलर आ चुका है, हमें बहुत ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं करनी है, बस इसी तरह के हमें प्याज चाहिए। अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐड कर देंगे सारे स्पाइसेस। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए, तो फिर हम इसे अच्छे से भून लें। तो यहाँ पर हम इसे 2 से 3 मिनट लीड लगा के रख देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए, फिर हम इसे भूनेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ 2 से 3 मिनट हो गए हैं और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, चले इसे अच्छे से भून लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है और मसाला अच्छे से भून गया है। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इसमें पालक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे मैंने धो के अच्छे से वॉश करके रखी थी। पालक को जब भी धोएं तो बहुत अच्छे से धोएं क्योंकि इसमें नीचे बहुत मट्टी होती है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ी सी इसमें चीनी डाल देंगे, इससे पालक का कलर बहुत अच्छा रहता है और पालक में जो कसालापन होता है वो भी नहीं रहता। चलें अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पालक का अपना पानी निकलता है, इसलिए अब यहाँ अब हम इसे लो फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक रख देते हैं ताकि पालक अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये देखें पालक का पानी काफ़ी रिड्यूस हो गया है। चले जी तो अब यहाँ इसे अच्छे से भून लेते हैं। अच्छा यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मेथी भी ऐड की है, अगर आपकी अपनी चॉइस है, अगर मेथी डालना चाहें तो डाल लीजिएगा, वरना आप ऐसी ही भून लीजिए। जी तो देखिए यहाँ ऑयल अच्छे से ऊपर आ गया है और ये अच्छे से भून चुका है। चलें अब इसमें ऐड कर देते हैं बॉईल किए हुए छोले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
जी, तो ये सालन अच्छे से भुन चुका है। अब यहाँ इसी पॉइंट पे हम इसमें हाफ लेमन का जूस ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें। आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप नहीं पसंद करते तो मत कीजिएगा। जी, तो हमने यहाँ लेमन का जूस डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ इसको 1 से 2 मिनट तक के बस हम दम पे रखेंगे। जी, तो यहाँ 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसे दम पे रखे हुए और यहाँ बिल्कुल अब ये रेडी हो गया है। चलिए अब इसका फ्लेम ऑफ करते हैं और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मान रहे देखें कितना भुना हुआ सा और कितना अच्छा सा लग रहा है। खाने में भी ये बहुत टेस्टी होता है। आप इसको चावलों के साथ सर्व कर लीजिए या चपातियों के साथ सर्व कर लीजिए, आपको बहुत मज़ेदार लगेगा ये। जी, तो यहाँ पर बनकर रेडी है हमारे चने और पालक का सालन, जो भुना हुआ बनता है और बहुत मज़ेदार लगता है। आप इसे चपातियों के साथ सर्व कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। जी, तो जनाब ये थी आज की मेरी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए। पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।